मैं इसमें बैठ के ऊपर आई हूँ। राव जी ने गाड़ी भेजी थी मेरे नीचे से आने में, मुझे लग गया था टाइम और ही ऊपर हो गए थे बोर। देखिए ये डाइटिंग पे भी है और ये हमारी वीडियो बना रहे थे। इनके देखिए, इनके देखिए इतने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा उत्तराखंडी डेली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, आज है हरेले का दूसरा दिन। तो कल हमने बोया था हरेला, आज है उसका दूसरा दिन। तो अभी अभी नहीं जमा है अभी हरेला कल ही बोया है, तो अभी मंदिर में भी नहीं रखा है हमने, बाहर ही है हमारा हरेला। ये आगे हमारी जेठानी है, लाइट नहीं है दोस्तों, ये हमारे वहाँ इन्वर्टर। किचन में खाना बनाया, पसीने के मारे ना गई, मैंने कभी तक ना जाती हूँ, पंखे में बैठूंगी। ये हमारे वहाँ इन्वर्टर का फायदा उठाने आई है। पहले जाते हैं पीछे, पहले जो मेरा चंदू है गाय का बछड़ा उसको बांध के आती हूँ अंदर, क्योंकि उसको लग गई है धूप। तो चलते हैं पहले पीछे। इस बार हमने धान नहीं बोए दोस्तों, क्योंकि हम हर साल धान बोते हैं, इस बार नहीं बोए हमने। गाय बछड़े जानवरों के चक्कर में, जानवरों के लिए चाहिए घास और घास इतना हो नहीं पाता है। इस बार जानवर भी तीन है, ज़्यादा ही हैं, तो खाने वाले हैं ही जानवर, लेकिन घास की समस्या हो जाती है बाद में, इसलिए हम लोगों ने इस बार धान नहीं बोए, घास ही बोई है सब में। अब मैं बांधती हूँ अपने चंदू को, पहले ये कुदाल वगैरह यहाँ पे रख देती हूँ। चंदू को घाम लग गया। हेलो बोलो। हेलो गाइज, हेलो गाइज, ये मैं हूँ और तुम कौन हो। तो गाइस को लग गई है धूप बहुत ज़्यादा, मैं इसको बांधते फड़फड़ाने लग गया है, ये इसकी माँ भी फड़फड़ाने लग गई है यहाँ पे। मैंने बांध दिया अंदर, चला दिया पंखा और अब चलते हैं अंदर, करते हैं कुछ काम। भीग चुके हैं चने और आज बनाती हूँ मैं आलू और चने की सब्जी। ये आ गई ट्यूशन से नहीं, कोचिंग से आ गई। हाँ चाची, और क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रही मैं, ये कोचिंग जाती है, कंप्यूटर कोचिंग आ गई है मैडम, कोचिंग से आ गए हैं ये। ऐसे बन के जाते हैं कोचिंग, हीरो बन के जाते हैं ये, पढ़ाई करने जाते हैं कोचिंग, वहाँ जाते हैं कहीं घूमने क्या करने जाती है इतने स्मार्ट बन के? कोचिंग में कंप्यूटर देखने कंप्यूटर देखने लोग सीखने जाते हैं, ये कंप्यूटर देखने जाती है, ऐसे है इसके हाल। कंप्यूटर में अपने प्रोफाइल देखते ना। गाइस बारिश आ रही है और मैं जा रही हूँ दक्षु को लेने, खाना मैंने बना दिया है चने की सब्जी और भात। तो गाइस बारिश आ रही है, मैं कैसे लाऊंगी उसको, उसके बाद रेनकोट भी नहीं है, तो भीगते भीगते जाती हूँ और उसके लिए ले जा रही हूँ तौलिया, तौलिया में लपेट के लाऊंगी। तो चलते हैं, बारिश देखो दोस्तों, बारिश हो रही है, अभी लेके आती पहले। तो खाना पीना हो चुका है दोस्तों हमारा, और दक्षु को स्कूल से आते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हम लोग बारिश में भीग चुके थे, दक्षु भी भीग चुका था, तो हम फटाफट आए वैसे ही। तो कपड़े वपड़े चेंज किए, खाना वाना खाया है, अभी करते हैं रेस्ट। और यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर आए हुए हैं, अभी पापा की ड्यूटी लगी है भगाने में, अभी इधर से भगा रहे हैं, कभी उधर से भगा रहे हैं। शाम को मैं आपको ले चलूँगी, यहाँ हमारी एक है पड़ोस में है दीदी, उन्होंने खोल रखी है बुटीक, को ले जाऊँगी आपको वहाँ, यहाँ पे ब्लॉक के आसपास उन्होंने दुकान खोल रखी है, बुटीक खोल रखा है एक, तो वहाँ कपड़े वपड़े सिलते हैं, जो आप देना चाहो जैसे आप सिलवाना चाहो वो सिलती हैं, और उन्होंने टेलर भी रखा हुआ है। तो हम शाम को जाएंगे, 3 बजे से ओपनिंग है वहाँ, तो हम जाएंगे अभी काम हम करके 5 बजे के टाइम पे जाएंगे, तो मैं आपको भी ले चलूँगी वहाँ, दिखाऊँगी दुकान कैसी है उनकी, कहाँ पे है। तो दोस्तों आप तब तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, तो अभी करते हैं रेस्ट, फिर मिलते हैं सीधा चाय के टाइम पर, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस अभी 4:30 बज रहे हैं और हमारे वहाँ हो रही बहुत तेज बारिश और हम पी रहे हैं चाय। दक्षु मेरी स्कूटी को ढक रहा है, क्या कर रहा है बेटा? ढक रहा है। हाँ इस दक्षु ने मेरी स्कूटी ढक दी, मम्मा की स्कूटी भीग जाएगी, उसने कपड़ा रख दिया मेरी स्कूटी के ऊपर। थैंक यू बाबू। नहीं आ रही, आ तो नहीं बारिश, और बारिश में भीगेगा। ओए! हेलो दोस्तों, तो अभी बज रहे शाम के 6 और हम आए हैं अभी शॉप में, बुटीक में ममता दी के, जो मैंने आपको दिन में बताया था। तो ये है इनकी दुकान और ये है इनका बेटा अक्कू। नमस्ते। ये है सेल्समैन यहाँ का सेल्समैन है। तो ये है शॉप इनकी यहाँ पे हर्षिता बैंकट हॉल के ठीक सामने, थोड़ा सा नीचे मतलब उससे, और यहाँ है शॉप, यहाँ आपको सारी कुर्तियाँ सारे ब्रांडेड कपड़े सब मिलेंगे, आप अपनी फिटिंग के भी ले सकते हो और
आप भी फिटिंग का करवा भी सकते हो यहाँ, अपने कपड़े दे सकते हो अपनी पसंद के। और अपने ये मतलब ये है अंदर, अभी मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। तो ये है गाइस इनकी दुकान, यहाँ बैठे हैं कस्टमर अभी। आंटी कुछ लिया आपने? ये है इनकी शॉप। यहाँ पे बैठी है माया दी। तो ये है दीदी, ये बताएगी आपको। हाय गाइस, यहाँ पे आपको सारी ब्रांडेड कुर्तीज और थ्री पीस कुछ भी बनवाना है ब्रांडेड भी मिलेगा। और प्लीज आप लोग आइए, थैंक यू सो मच। इनकी शॉप मैं आपको शॉप दिखाती हूँ, आपको यहाँ जो भी कपड़े बनवाने होंगे आप बनवा सकते हैं यहाँ अपनी पसंद से। तो मैं ये आ गई है मेरी ईजा। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तुमने क्या लिया? ये मेरी जेठानी ने ले लिया ये। शुक्र बाजार में अभी हम ले रहे हैं सब्जी। यहाँ पे हमने लिया शिमला मिर्च, ये आई है देखो, ये भी आ गई यहाँ पे। हम शुक्र बाजार में सब्जी लेने आए हैं। तेरी मम्मी कहाँ गई? क्यों मम्मी हरी आ गई है, इसकी मम्मी को ढूंढते हैं हम। शुक्र बाजार में इसकी मम्मी खो गई। तो ये है शुक्र बाजार यहाँ की। अभी आए हैं सभी स्वीट्स वहाँ ऊंचापुल में, गोलगप्पे वाले को बोलते हैं हमें गोलगप्पे खिलाए। तो हम अभी शॉपिंग वॉपिंग करके आए हैं, सब्जी भी ले ली हमने और हमने ले लिया सामान। तो हम अभी खाते हैं गोलगप्पे। ये लग गए इनके सौट वाले, बता से ये जो अच्छे लगे के नाक में घुस गया है पानी। कविता भी कविता खा ही नहीं पा रही है। देखिए ये डाइटिंग पे भी है और ये हमारी वीडियो बना रहे थे। इनके देखिए इतने सारे हेल्दी फूड डाइटिंग पे और इनके देखो कितने छोटे हैं ये पूरी मलाई मार के। अब हम चलते हैं घर, सीधा मिलते हैं आपको घर जाके। तो राहुल जी ले रहे हैं बच्चों के लिए चीज आगे से, हम चले गए आगे को और हम लोग जा रहे हैं पीछे। वो बताएगा ना, सब्जी नहीं काटी है हमने आज, घर जाके अभी घर जाके सब्जी काटनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। हम दोनों चलते हैं फटाफट। काका क्या लाए तुम्हारे लिए? फ्रूटी। तो रावत जी लाए इनके लिए फ्रूटी। लाओ मैं खोल दूँ, लाओ बाद में पिएगा। तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो यहाँ पे मैंने तल के रख दिए हैं और आधे यहाँ पे तले जा रहे हैं। और यहाँ पे कट रहा है प्याज टमाटर लहसुन, दीदी काट रही है। तो हमको हो गई देर और घर आते ही डिमांड आई लौकी के कोफ्ते। तो हम बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते। कोफ्ते बनाने का सबका तरीका अलग अलग होता है पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ जैसे मैं तल रही होगी। गोल लोग लंबे वाले भी बनाते हैं पर मैं गोल बनाती हूँ। तो अभी मैं इनको तल रही हूँ। तो भाई अभी हम गए थे शुक्र बाजार, वहाँ पे वो बड़ी आमा हो और वहाँ मोमो खा रही थी और पता ये छुप गई ऐसे कर रही थी, झुक रही थी बिल्कुल छुप गई, इसने हमको देखा तो ये छुप गई ऐसे कर रही थी। तो भाई मेरी पकौड़ियाँ तैयार हो गई है और मैंने यहाँ पे प्याज कौनने रख दिया, यहाँ पे टमाटर काटा है और यहाँ पे मैंने पेस्ट बना दिया। तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है और मैंने डाला इसमें हल्का सा नमक को ग्राइंडर करने के लिए। तो मैंने इसमें डाला है लौकी का जो बचा हुआ पेस्ट था वो डाल रखा है और अब मैं डाल दूँ इसमें मसाले। पता नहीं कैसा बनेगा क्योंकि जल्दीबाजी में बन रहा है खाना। तो गाइस आप लोग सोचते होंगे ये रोज़ किचन का ही दिखाती है
पर मेरी डेली की दिनचर्या यही है, किचन में ही किचन में किचन में। मेरी सब्जी बन चुकी है और मैं अब दक्षु को पढ़ाती हूँ थोड़ा सा स्कूल से, और दूसरा से होमवर्क मिला है तो मैं कराती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे सीधा खाना खाने के बाद। हेलो गाइस, हम मेरे मम्मी के रिमोट के अंदर को लाइक फाइव कमेंट शेयर कर दो। थैंक यू, इनको कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। हेलो गाइस, मम्मी के चैनल को लाइक कमेंट और शेयर कर दो। तो गाइस लाइट चली गई है हमारे वहाँ और सबको खाना दे दिया है मैंने, और सारे कमरों में हो रहा है अंधेरा, अभी लाइट चली गई, बहुत देर हो गई है, कब तक चलेगा पता नहीं है ना। ये लगा लिया मैंने आमा का, मेरी आमा मेरे साथ ही खाती है, मैं अपनी चाची को बहुत अच्छा मानती हूँ। ये आमा मेरे लिए रुकी है, मेरे लिए साथ ही खाती है। तो गाइस लाइट आ चुकी है, हमने खा लिया है खाना, ये आमा खा रही है अभी, मेरे पट रहा है आम, मेरा है ये आम, लगा जरा जब काम करेंगे तभी तो मिलेगा ना, ये मेरे पास बचा हुआ। तो हम खाते हैं आम। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं ऊपर खाना खा के, और रावत जी ने मेरे लिए गाड़ी भेजी थी नीचे, और इसमें बैठा है ड्राइवर, मैं इसमें बैठ के ऊपर आई हूँ। रावत जी ने गाड़ी भेजी थी मेरे लिए नीचे से आने में, मुझे लग गया था टाइम और ही ऊपर हो गए थे बोर, तो इन्होंने मेरे लिए गाड़ी भेजी थी नीचे, तो मैं इसमें बैठ के आई हूँ। तो दोस्तों बहुत हो चुकी है मजाक, और अभी बच्चे देख रहे हैं मोबाइल थोड़ी देर, इनको थोड़ा डोज चाहिए होती है मोबाइल की सोने से पहले। तो रावत जी लगा रहे हैं यहाँ पे कैलेंडर, हम 15 तारीख को गए थे कैची धाम, तो हम लाए थे वहाँ से बाबा जी का कैलेंडर लाए थे, तो हम लोगों ने लगाया नहीं, हम भूल गए थे, मतलब भूल के गए थे, रखा था ऊपर पर ध्यान नहीं रहा। तो अभी रावत जी लगा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, रावत जी लगा रहे हैं कैलेंडर, और हम 15 तारीख को गए थे कैची धाम, मैंने आपको बताया अभी, तो हम लाए थे वहाँ से, तो अभी लगा रहे हैं रावत जी। ये हमारे जहाँ जैसे हम उठेंगे यहाँ पे से, तो यहाँ से सीधा दिखेगा, ये सीधा दिखेगा, हाँ सीधा है, सीधा है, सीधा। राजू लगा दिया कैलेंडर, जय हो बाबा जी। हम छोड़े कल को मिलेंगे, तो गाइस कैलेंडर लग चुका है और हो रही है सोने की तैयारी, तो गाइस सोते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। कल शायद बच्चों की छुट्टी भी है, क्योंकि अभी अभी मैसेज आया था इनके स्कूल से, और DM का भी मैसेज आ चुका है, पहले ही आ चुका है, और इनके स्कूल से इनकी मैम का भी मैसेज आ चुका है, शायद कल स्कूल बंद रहेगा। तो हमारा तो रूटीन वही रहेगा, सुबह उठना, और बच्चे उठेंगे आराम से। तो कल बहुत तेज़ बारिश बता रखी है, कल बहुत भारी बारिश बता रखी है, और अभी सोते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। तो गाइस मेरी छुट्टी फुट गया।